80 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहते थे राजा भैया। पार्टी रजिस्टर होने में लग गया ज्यादा समय। राजा भैया ने बनाई है जनसत्ता दल नाम से पार्टी। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट से उतारे हैं प्रत्याशी। गुंडा विधायक बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा है कि अगर वक्त पूरा मिलता तो आज हमारी पार्टी जनसत्ता दल दो नहीं बल्कि यूपी की सभी 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारती। राजा भैया ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग से पार्टी का पंजीकरण हुआ तब तक बहुत लेट हो चुका था और हमें सिर्फ दो ही प्रत्याशी उतारने का मौका मिला। राजा भैया की जनसत्ता दल ने प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह और कौशाम्बी से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है। इन दोनों ही सीटों पर राजा भैया का असर माना जाता है तो उन पर यहां से अपने प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी भी है। राजा भैया ने खुद चुनाव न लड़कर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया, लेकिन जब राजा भैया से सवाल पूछा गया कि अगर उनके प्रत्याशी जीतते हैं तो वो किस पार्टी को समर्थन देंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए लोगों के मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इस सवाल पर वो पल्ला झाड़ते नजर आए। राजा भैया को मतदान वाले दिन कई दूसरे नेताओं के साथ नजरबंदी कर दिया गया था। प्रशासन ने इसे चुनावों में शांति बनाए रखने वाला कदम बताया था, जबकि राजा भैया ने शिकायत की थी कि प्रशासन ने सत्ताधारी दल के किसी भी नेता को नजरबंद नहीं किया। मैं पूछता हूं कि ऐसा भेदभाव क्यों किया गया। एक वक्त था जब राजा भैया ने सवर्णों के 10% आरक्षण की मांग को लेकर सरकार को घेरना चाहा था, लेकिन सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया था।